हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियाज वर्ल्ड। आई होप कि आप सब अच्छे हो। घर में जब भी पार्टी होने वाला होता है, हमारे दिमाग में एक ही बात आता है, कुछ अच्छा सा स्नैक्स बनाए पर वो झटपट तैयार हो जाए। इसीलिए आज मैं एक पार्टी स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, चिकन तवा कबाब। चिकन पेस्ट के अंदर ड्राई मसाला, मिर्च और कोरिएंडर लीव्स डाल के एक डो तैयार करेंगे और इससे छोटा छोटा पोर्शन लेके कबाब बनाएंगे और तवा पर शैलो फ्राई कर लेंगे। है ना आसान रेसिपी? तो चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अच्छे अच्छे खाना खाते रहो। यहाँ पे मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है और उस चिकन को थोड़ा सा पेस्ट कर लिया है। बहुत ज्यादा स्मूथ पेस्ट नहीं बनाया, कीमा से थोड़ा ज्यादा पेस्ट किया है। तो अभी चिकन को एक बोल में निकाल लेते हैं। दो बड़ा साइज की प्याज को ग्रेट कर लिया है, चार ग्रीन चिली को चॉप कर लिया है, एक मुट्ठी के बराबर कोरिएंडर लीव्स, थोड़ा सा पुदीने का पत्ता, 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून तंदूरी चिकन मसाला, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करूंगी, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। और बाइंडिंग के लिए यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून बेसन डालूंगी और बेसन को मैंने हल्का कढ़ाई में भून लिया था। अभी ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके हम लोग कबाब रेडी करेंगे। चिकन के साथ सारे मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी इसमें मैं एक अंडा डाल दूंगी। तो दोस्तों, चिकन तवा कबाब की डो तो हमने तैयार कर लिया है। अभी इसको हम लोग 15 मिनट टाइम देंगे ताकि मसाले का फ्लेवर अच्छे से चिकन के साथ मिक्स हो जाए। तो इसको ढक के हम लोग फ्रिज में 15 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद कबाब बनाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, 15 मिनट हो गया है, मैंने कबाब की डो को फ्रिज से निकाल लिया है। चलिए अभी इससे कबाब बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लूंगी। इसमें से चिकन लेके इस तरीके से गोल करके कबाब तैयार करूंगी। मैं यहाँ पे राउंड शेप पे बना रही हूँ, आप लोग चाहो तो किसी भी शेप में बना सकते हो, ओवल भी कर सकते हो, लंबा भी कर सकते हो। दोस्तों, ये कबाब बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस आप लोग ये कबाब का मिक्स तैयार करके रखो और जब खाना हो उसमें से निकाल के बना के फटाफट फ्राई कर लो। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कबाब तो तैयार कर लिया है, चलिए अभी इसे फ्राई करना शुरू करते हैं। घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाए फिर इसमें कबाब डालेंगे। कबाब को हम लोग डीप फ्राई नहीं करेंगे, इसको शैलो फ्राई करेंगे। कबाब को हम लोग लो तो मीडियम हीट में धीरे धीरे कुक करेंगे तो ये खाने में बहुत जूसी लगेगा और हार्ड भी नहीं होगा। ये कबाब दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया है, चलिए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और सेम तरीके से बाकी के कबाब को भी फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों, आप लोग ये कबाब को हाफ फ्राई करके फ्रिज में 1 वीक के लिए स्टोर कर सकते हो और जब खाना हो तो तवा में थोड़ा सा ऑयल और घी ब्रश करके कबाब को फिर से फ्राई कर लीजिए
तो तैयार हो जाएगा गर्मा गर्म तवा कबाब। ये भी तैयार हो गया है, चलिए इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं और फटाफट से गर्मा गर्म तवा कबाब का प्लेटिंग कर लेते हैं। दोस्तों मैं कबाब के साथ एक चटनी सर्व करूंगी, तो चलिए वो चटनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मिक्सिंग जार ले लिया है, अभी जार में एक मुट्ठी धनिया का पत्ता, दो हरी मिर्ची, थोड़ा सा पुदीने का पत्ता, हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम काला नमक, और सबसे लास्ट में यहाँ पे मैंने घर का बना हुआ आम का अचार ले लिया है, ये चटनी में ऐड कर दूंगी, और लगभग 2 से 3 टेबलस्पून पानी। तो चलिए चटनी बना लेते हैं। तो दोस्तों हरी चटनी प्याज के साथ मेरा तवा कबाब का प्लेट तो तैयार हो गया है, अभी मैं ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूंगी। और आप लोग ये तवा कबाब जब भी घर में बनाओ उसके साथ ये चटनी की रेसिपी जरूर ट्राई करना, क्योंकि चटनी के साथ ये कबाब का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठता है और इसे बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो पार्टी के लिए ये एक बहुत अच्छा स्नैक्स है। तो आप लोग ये रेसिपी घर पे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि रेसिपी कैसा लगा, और रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।